नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे इंटीरियर चैनल में, जिसका नाम है पीए इंटीरियर वर्क। तो दोस्तों, मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ इंडिपेंडेंट घर में आपका, हमने जो अलमारी और किचन डिजाइन किए हैं वो कुछ इस तरह से हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हम बात करते हैं इस किचन की। इस किचन में हमने क्या किया, नीचे पर्पल कलर, ये जो आप नीचे देख रहे हैं ड्रोर्स, ये पर्पल कलर की हैं और ऊपर ये वाइट कलर हमने यूज़ किया है। जो ऊपर आप जो कोप देख रहे हैं, इसमें ये हमने पर्पल कलर की लगाई हुई है और इसमें 5 लाइट लगा दी हैं। बास्केट की बात करें तो बास्केट, इसमें हमने 5 बास्केट लगाई हुई हैं। 1 एक ये थाली, एक ये बीच में लगाया हुआ है, एक ये लगाई हुई है मल्टीपर्पज़, और एक ये मल्टीपर्पज़। ये आप कोने देख रहे हैं, कॉर्नर का पल्ला है इस तरह से, और ये चिमनी के लेफ्ट और राइट में हमने ये 4 टोकन पल्ले बनाए हुए हैं जो इस तरह से खुलते हैं, इस तरह से। बात करते हैं इस अलमारी की। ये दरअसल में क्या है, हमने ये जो आपका पूरा जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है अलमारी का, ये ब्रिक से बनाया हुआ है और इसमें हमने ये इस तरह के फ्रेम, लकड़ी का फ्रेम लगाकर पल्ले चला दिए हैं। इसमें हमने क्या किया है, आपका वाइट और आपका डार्क ग्रे कलर का कलर यूज़ किया हुआ है इसमें। और हैंडल की बात करें तो इस तरह के वाइट हैंडल लगाए हुए हैं इसमें। अंदर के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, पल्ले की बात करते हैं पहले। इसमें 3 पल्ले लगाए हुए हैं और अंदर के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अंदर से मैं आपको खोल कर दिखा देता हूँ। इस तरह से ये जो आप मोटी मोटी देख रहे हैं, ये सेल्फ जो देख रहे हैं, ये दरअसल में ब्रिक्स है, ब्रिक्स से सेल्फ डाले हुए हैं इस तरह से। और पूरा लुक जो आता है इसका इस तरह से आता है। इस रूम में अगर सीलिंग की बात करें तो इस तरह से हमने सीलिंग की हुई है इस रूम में। ये हमारी बड़ी वार्डरोब है। साइज की बात करें तो 6x8 की वार्डरोब है ये। इसमें भी हमने सेम आपका ऊपर वाइट कलर लगाया हुआ है और बीच में आपका ये डार्क ग्रे कलर लगाया हुआ है और नीचे वाइट। ये 4 पल्ले की अलमारी है इस तरह से। जो अंदर का जो उसका लुक आता है वो इस तरह से आता है। अंदर का जो हमने ड्राइंग की हुई है, मतलब अंदर का जो डिज़ाइन है इस तरह से। ये सामने हमारा हैंगर स्पेस जाता है, नीचे एक ड्रॉर दी हुई है और बीच में एक सेल्फ दिया है, फोल्डेबल सेल्फ है ये। दूसरे पार्ट की बात करते हैं, सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट जो हमारा कुछ इस तरह से है, ऊपर ही अपना लॉफ्ट एरिया आता है, बीच में हैंगर स्पेस है, एक यहाँ पर ड्रॉर दी हुई है और नीचे एक सेल्फ डाल दिया है। और यहाँ पर हमने क्या किया है, आपको जैसे ये तो इधर आपके हैंगिंग कपड़े आ जाएंगे और जो आप फोल्ड करके जो कपड़े रखते हो वो इधर आ जाएंगे। आपके ये सेल्फ डाले हुए फोल्डेबल सेल्फ हैं। अगर आप कुछ बड़ा सामान रखना चाहते हो तो इसको हटाकर कपड़े हैंग भी कर सकते हो। इसमें एक हैंगर आ जाएगा, आपका ओवल रोड लग जाएगी, एक हैंगर स्पेस बन जाएगा ये आपका इस तरह से। पूरा लुक जो आता है, पूरा अलमारी का लुक इस तरह से आता है। तो ये हमारी तीसरी अलमारी है जो इसका इस तरह से लुक आता है पूरा। इसमें हमने क्या किया है, वही सेम आपका 2 पल्ले इधर लगा दिए और 2 पल्ले इधर, 4 पल्ले की अलमारी है। ये साइड में जो आप स्पेस देख रहे हैं, इधर हमने ये राउंड सेल्फ डाल दिए हैं इसमें, और आप इसमें अपना आर्टिफैक्ट वगैरह रख सकते हो। अंदर के डिज़ाइन की बात करें तो कुछ इस तरह का हमारा अंदर का डिज़ाइन है। पहले पार्ट की बात करते हैं, हमारा ऊपर लॉफ्ट एरिया आता है, ये बीच में है आपका हैंगर स्पेस है, एक ड्रॉर दे दिया है यहाँ पे और एक नीचे फोल्डेबल सेल्फ है। इसमें हमने क्या हुआ है, सेकंड पार्ट में आपका इधर हैंगर स्पेस कर दिया है, इधर एक सेल्फ लगाकर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है इस वाले बॉक्स को, इस वाले स्पेस को, और यहाँ पर एक आपका फोल्डेबल सेल्फ और एक बीच में ड्रॉर दे दिया है। जो पूरा लुक आता है हमारी अलमारी का ये इस तरह से आता है। हमने इसमें जो हैंडल यूज़ किए हुए हैं वो वाइट कलर के, आपके ऊपर से हमने वाइट माइका लगा हुआ है, बीच में डार्क ग्रे कलर है और नीचे वाइट। तो इसमें हमने ये आपका वाइट हैंडल लगा दिए इस तरह से। और ये हमारी चौथी अलमारी है जो इसका लुक आता है, वो भी आपने जिसमें जो कलर यूज़ किया है सेम कलर यूज़ किया है सभी में। ये दरअसल में क्या है, हमारी आपकी स्लाइडर अलमारी है। इसमें स्लाइडिंग में हमने अंदर का स्पेस दिखा देता हूँ एक बार। अंदर का स्पेस इसमें कुछ इस तरह से है,
ये हमने ऊपर लॉफ्ट बना दिए, बीच में आप तो देख रहे हैं हैंगर स्पेस है, नीचे एक ड्रॉर और नीचे एक फोल्डेबल सेल्फ। सेकंड पार्ट की बात करते हैं, सेकंड पार्ट भी हमारा कुछ इस तरह का है, ऊपर हमने लॉफ्ट बना दिया, बीच में ये हैंगर स्पेस है, नीचे एक ड्रॉर बना दिया और नीचे एक फोल्डेबल सेल्फ। इसमें क्या क्या हुआ, हमने जैसे स्लाइडिंग में कुछ लोग बोलते हैं कि भैया लॉक नहीं लग पाएगा, इसमें जो लॉक होता है कुछ इस तरह का होता है, अगर आप इसको पुश कर देंगे इसको इस तरह पुश कर देंगे तो ये लॉक हो जाएगी और नहीं खुलेगी, और आपका इस तरह से आप इसको चाबी घुमाएंगे तो ये आपका लॉक खुल जाएगा, तो इस तरह से खुल जाएगी। तो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और तब तक के लिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।